देखो जिंदगी के मजे इंदौर में, आपको बोल देगा भगवा हो रहा है, भगवा जो भी हो रहा है। बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का एक रैली निकल रहा है, जोर से बोलो जय श्री राम। सुबह के बज रहे हैं छह बज रहे हैं सुबह के, और फिर से एक बड़ी सवारी निकल के जा रही है वहां जहां आप नहीं सोच रहे कि मैं घूमने के लिए जाऊंगा। घूमना टारगेट है ये, बट स्पिरिचुअलिटी भी टारगेट है, सबसे बड़ा रीजन। मैं जा रहा हूँ इंदौर, मुक्तेश्वर महाकालेश्वर मंदिर, और इस व्लॉग में मैं आपको इंदौर शेयर कराऊंगा, जितना पॉसिबल हो पाएगा मंदिर को रिकॉर्ड करने का, दिखाने का, वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ब्रश करने, क्योंकि एक घंटे में मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, सो मत जाना, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि अगले वीडियो के बारे में पता चल सके। तो जी मैं हो गया हूँ तैयार, मैं निकलने की तैयारी में हूँ। ये देखो ये है मेरा सामान, एक और अच्छी चीज़ दिखा, मतलब हम ऐसे लोगों को घूम घूम के जगहें दिखाएं, और ये वो लोग हैं जो उठ के दुबई तक नहीं पहुंचे। बट एनीवेज मैं चलता हूँ एयरपोर्ट की तरफ। सुना है भीड़ काफी, सुना है काफी लंबी क्यूज लगी है आजकल एयरपोर्ट के ऊपर। होपफुली ज़्यादा देर ना खड़ा रहना पड़े भाई, क्योंकि बहुत लग रही है भूख। फिर से कुछ खाएंगे, चलो। भैया आपका नाम क्या है? अशफाक। अशफाक जी, आप लोकल हो भैया? लोकल। बताओ फिर इंदौर के बारे में कुछ बढ़िया सी चीज। इंदौर में सर बढ़िया सी क्या, किस चीज में चाहिए आपको? ऐसे ही जो भी आपको पता हो जो अच्छा हो यहाँ पे। इंदौर हम तो पहली बार आए। छप्पन और सराफा है। छप्पन और सराफा? हाँ। क्या मार्केट है ये? ये मार्केट है। और क्या मिलता है उधर? उधर खाने की चीजें मिलती है, खाने के लिए बहुत सी चीजें, मतलब छप्पन तरह की वैरायटी की चीजें मिलती है। अच्छा। हाँ। और कितने बजे तक खुला रहता है रात को? और रात को खुला रहता है सर वो 12 बजे तक। 12 बजे तक दोनों मार्केट। हाँ। नॉन वेज फेमस होगा वहाँ का पक्का, है ना? नॉन वेज नहीं, प्योर वेज है। क्या है? प्योर वेज। प्योर दोनों मार्केट में? दोनों मार्केट। अरे वाह। नॉन वेज के लिए आपको मार्केट अलग है। वो कौन सी मार्केट है? बम्बई बाजार। बम्बई बाजार। हाँ। वो कितनी दूर है यहाँ से? वो यहाँ से समथिंग 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर, और वो भी 12 बजे तक। हाँ। बढ़िया है। तो जी हम आ गए इंदौर, शाह बाइक के साथ जा रहे हैं अभी। पहले कहाँ जा रहे भैया? पहले लालबाग। लालबाग पहले जा रहे, फिर वहाँ से जाएंगे होटल, जब 3 बजे वो रेडी हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट करेंगे, जिंदगी के मज़े लेंगे, और फिर कल से मुक्तेश्वर की तरफ प्रस्थान किया जाएगा। पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हो सके तो कमेंट करना। चलो इंदौर दिखाता हूँ। तो बड़ी खस्ता सी नजर आ रही है। ये बेसिकली 1900 सदी के अंदर बना हुआ है, 19th सेंचुरी का क्रिएशन है ये। होलकर महाराज जो थे इंदौर के, उन्होंने बनाया था 1926 में, फिनिशिंग हुई इसकी। देख के तो ऐसा लग रहा है 4 साल से बना हुआ है। बट वन ऑफ द लोकेशंस इन इंदौर। कल मैं जाऊंगा उज्जैन की तरफ, यहाँ पे मुक्तेश्वर महाकालेश्वर वगैरह के मंदिर, उनके दर्शन करूँगा। अंदर कैमरा जाना अलाउड नहीं है, ऑलरेडी पता कर लिया मैंने, कैमरा वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो मंदिर के अंदर पता नहीं क्या क्या दिखा पाऊँगा क्या नहीं, बट आई विल ट्राई टू सी कि उसकी हिस्ट्री जितना हो सके, फोटोज़ वीडियोज़ जितना भी अपलोड कर सके वो करें और दिखाएँ। बट फिलहाल आपको दिखा रहे हैं लालबाग पैलेस, जो कि
इंदौर में है, एयरपोर्ट से करीबन करीबन 6 किलोमीटर दूर। एयरपोर्ट पे जब आप पहुँचते हो टैक्सी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। माई सजेशन विल बी टेक अ टैक्सी इनिशियली टैक्सी लो। सेडान मिल जाती है 4 घंटे के लिए 1100 रुपये की, अगर फुल डे के लिए चाहिए तो 2000 रुपये के आसपास लेते हैं, 1900 रुपये। और मिनी चाहिए वो लाल पीली वाली तो 200 रुपये कम हो जाएंगे। दैट्स व्हाट द प्राइसिंग इज, एटलीस्ट जो आज मुझे पता चला। अभी ऑब्वियसली घूमेंगे तो और देखेंगे अगर ऑटोज वाटोज और कैब्स की क्या प्राइसिंग है, विल सी। बट फिलहाल मैं जा रहा हूँ टिकट के अंदर की तरफ टिकट लेने के लिए ताकि अंदर एंट्री कर सकें। इंदौर में नॉट सो सरप्राइजिंगली क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, कोई भी कोविड केस नहीं है अभी, 0। दैट इज रीजन व्हाई यू सी मी विदाउट मास्क। तो ये तो जो मेरे साथ कुंभलगढ़ में हुआ था वो नहीं करूँगा मैं इस बारी, मुझे पता है कि वीडियो कैमरा का शुल्क अलग है, मैं विनती के जाऊँगा भारत सरकार को मेरा कंट्रीब्यूशन। भैया 20 रुपीज़। और ये वीडियो कैमरा भी है? अंदर अलाउड नहीं है। वीडियो अंदर अलाउड नहीं है, ठीक है, तो वीडियो अंदर अलाउड नहीं है, ओके। अब हिंदुस्तान का प्रॉब्लम ये है कि आए देखने के लिए, पर्यटन करने के लिए, घूमने के लिए, एंड यू कैन नॉट शूट इनसाइड। आप कैमरा लेके अंदर वीडियो नहीं बना सकते, तो बेसिकली इसको देख के फायदा क्या है, बंजर जमीन। अगर आप इसको देखो एज इट इज़, इसकी आदत खस जाती है, इसको देख के बिना आप मतलब से दिखाए इसका फ़ायदा क्या है। मैंने बन भी कांटे के तौर पर ये प्रॉब्लम है काफ़ी जगहों पर, जो मेरे ख्याल में कि यू कैन सी बट यू कैन नॉट शो टू पीपल। लोग क्यों आना पसंद करेंगे यहाँ पे अगर इसके बारे में अंदर से कुछ दिखा नहीं सकते, कुछ क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ा सकते आपकी, तो क्यों करेंगे? कैमरा शट डाउन करना पड़ेगा, बट इसको इंट्रोडक्टरी वीडियो बना लो, आगे देखेंगे फिर दूसरे व्लॉग्स के अंदर क्या वीडियोज़ बनती हैं। पर अगर इस वीडियो के अंदर और कुछ दिखा पाया तो दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ से निकल के भी सीधे होटल जाएंगे ऑब्वियसली। तो भाई हालात देख लो, यहाँ के हालात, ये राजा जी के हालात हैं। बैंड बजा पड़ा है, वो कह रहे हैं 10 रुपये प्रति पर्सन की टिकट है यहाँ पे, तो वो पार्ट तो इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, सो सॉर्टेड सी चीज़ है। देखते हैं क्या दिखा सकते हैं, अभी कैमरा बंद कर दो। वही जैसे कि मैंने बताया, ये रुक पीछे इसको ट्राई करता हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड में रखने की। तो जैसे कि मैंने बताया भाई, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, मोबाइल और कैमरे आपके गेट के ऊपर ही टोकन देके रख लेते हैं। वही करना पड़ेगा, अंदर कुछ दिखा नहीं पाए, कुछ देख नहीं पाए, हम भी अच्छी से नहीं देख पाए, और भाई बहुत गंदी कंडीशन में है आज की डेट में फिलहाल। तो इसीलिए औकात अनुसार इस टाइम पे 10 रुपये की टिकट है। बट सीरियसली लाइक इट्स इन वेरी बैड कंडीशन, एंड आई जस्ट होप कि जो भी रेनोवेशन का काम पिछले 2 साल से चल रहा है, जहाँ कुछ दिख नहीं रहा कि कुछ चेंज हुआ है या कुछ ठीक हुआ है, आई जस्ट होप इट फिक्सेस समथिंग। और ये जगह पीपल शुड अलाउ कैमराज और मोबाइल फ़ोन्स, ताकि लोग दिखा सकें भाई कि अंदर है क्या, हिस्ट्री में हमारा क्या बनाया, कैसे बनाया। द ओनली थिंग दैट आई कुड सी देयर वाज कि बहुत सारे शेर मारे भाई राजा ने, बहुत सारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो गिन दिए मैंने, 6 शेर यानी टाइगर और 1 चीता, वो तो देख लिया। और पता नहीं कितने जानवर मारे होंगे, कि काफ़ी सेक्शंस ऑफ दिस पैलेस बंद है, एक्सेसिबल नहीं थे, तो देख नहीं पाए। तो भाई लालबाग पैलेस में बिना दिखाए यही दिखा रहा हूँ मैं आपको कि कुछ नहीं है देखने के लिए अभी एज ऑफ नाउ। अगर आप हाल फिलहाल में आ रहे हो और आओगे भी तो अंदर रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाओगे। सो इफ यू आर कमिंग विद द इंटेंशन ऑफ व्लॉगिंग और मेकिंग अ वीडियो इनसाइड, यू कांट रेडी। तो बस घूमने के लिए आ जाओ, 10 रुपये दे के टाइम पास करने के लिए, 10 मिनट का टूर है, इधर उधर घूमो, बाहर निकल जाओ और ज़िंदगी के मज़े लो। भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं बढ़ रहा हूँ आगे होटल की तरफ, एंड देखते हैं कुछ मार्केट्स के बारे में पता किया शाम को, वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, कुछ खाने की कोशिश करेंगे, एंड विल सी क्या होता है आगे। बाय बाय भाई। कैमरा गाड़ी में बाहर लेके नहीं आया, मैं सोचा कि रुकते कहीं पे, अभी भी चल रहा है भाई, पहले से निकलने के बाद अब यहाँ पे आया चाय पीने के लिए। बालों की हालत देखो कैसे खस्ता हो गई, जिंदगी वीरान सी हो गई,
वो भी चाय पियेंगे, उसके बाद जाएंगे होटल ऐश करने के लिए, मज़े करने के लिए। ये हमारे भैया हैं जिनके साथ गाड़ी में घूम रहे थे हम। कुछ बोलो भैया, क्या बोलना? कुछ भी जो मन करे। लोगों को बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के। सर आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी करें, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी करें, कमेंट भी कीजिए। बढ़िया। और ये हमारे भैया जो चाय पिला रहे हैं, ये इनका शौक है। क्या हाल है भैया? और वो भैया है जो कुछ कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? तरुण माधव। तरुण माधव, यहीं के लोकल हो आप? जिंदगी मजे में। क्या करते हो काम कर, काम खत्म करने के बाद? पार्टी, दारू शादी? दारू नहीं पी। झूठ बोल रहे हो यार, लेकिन कैमरे पे बोले तो कैसे बोले, है कि नहीं? अरे तरुण भाई हमारे शर्मा गए यार, अरे पीता हूँ पर बताऊँगा नहीं, है ना? तो भैया पिला रहे चाय। भैया अपनी शॉप का नाम बता दो। आनंद चाय नहीं पाई। यहाँ पे सारा चाइनीज वाइनीज खाना मिलेगा, चाय पानी भी मिलेगा। कौन सी? कुल्लड़ वाली चाय। ये कुल्लड़, ये इनका जुगाड़, ये रहा इनका मेन्यू। अगर आप देख लो क्या कह रहे हो भैया। हाँ ये वो बेकरी भी है भैया की, रमेश पाक भाई ने बोला है बेकरी दिखाओ, तो मैं बेकरी भी दिखा रहा हूँ भैया की। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, तो बेसिकली जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, चाय पानी पीने का मन करता है तो चाय पानी पीना, और जिंदगी में खुश रहना। और ये रहा मैं सामने, ठीक है जी, सेल्फी कैमरे से मोबाइल पे वीडियो बनाते हुए, क्योंकि कैमरा मैंने गाड़ी में छोड़ा हुआ है। सोचा नहीं था बनाऊंगा यहाँ पर ऐसा वीडियो, पर छोटा तो बना लिया, ठीक है। राजा जी ने तो कुछ दिखाया नहीं है, राजा जी के पैलेस में कुछ नहीं होता। तरुण भाई के यहाँ पे देख लीजिए, तरुण भाई की जिंदगी की विडम्बना आराम देते हैं। चाय वाय पीना हो आ जाना, छोटी सी जगह है, मस्त है, फिल करो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जिंदगी के मजे इंदौर में। आपको एक बोल देगा भगवा हो रहा है, भगवा जो भी हो रहा है, बजरंग दल का विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का एक रैली निकल रहा है। जोर से बोलो जय श्री राम। पहली बार ही देख रहा हूँ मैं बजरंग दल वालों को लाइव, एक्चुअली अभी तक टीवी पे ही देखा था, आज पहली बार ही देख रहा हूँ। जय श्री राम। देख लिया, मजे आ गए।